हाय, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका सिंह। अमित, हेलो मैम, हाय अमित, कैसे हैं आप? प्रवीण सिंह, हेलो, हाय। रमेश कार्तिक, हाय। उत्कर्ष त्रिपाठी, हाय उत्कर्ष। शशि शंकर सिंह, हाय, हेलो। गुड इवनिंग चंदन कुमार, हाय। भाई मनीष, हेलो, हाय। और भी लोग जुड़ जाएं। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं आप सबके बीच लाइव हूँ, काफ़ी टाइम बाद। भानु प्रताप सिंह, प्रणाम भाई साहब, थैंक यू। प्राउड ऑफ और गोपालगंज बाबा चंदन तिवारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफ़ी समय बाद आज मैं आप सबके बीच लाइव हूँ। कुछ विशेष बात आप सबके बीच रखनी थी, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं, आप पब्लिक हैं। आपकी वजह से ही कोई भी आर्टिस्ट आज खड़ा है, और आप सबके आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से आज मैं जो कुछ भी हूँ, आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। काफ़ी टाइम से मैं कुछ चीज़ें आप सबसे शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि शेयर करूँ या ना करूँ, लेकिन एक कहावत है, पुराने ज़माने में हमारी माताजी, पिताजी, दादी, नानी सब लोग बोलते थे कि जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर होता है। तो शायद इसलिए आज मुझे लाइव आके आप सबके बीच अपनी बात रखनी पड़ रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, और अपना जो निष्कर्ष है, अपना जो आंसर है, आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं, तो मैं अभी अपनी बात रख सकती हूँ। आए दिन हम लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में बहुत अश्लीलता है, बहुत खराब है, ये ऐसा है, वैसा है, अच्छे गाने को प्रमोशन नहीं मिलता है, खराब गानों, जो भी है, अश्लील गाने, फलाना चिलाना, जो भी चीज़ें हैं, तो लोग बोलते हैं कि वो ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, उसके अच्छे गाने लोग नहीं सुनते हैं। प्राणा प्रताप सिंह, प्रणाम, थैंक यू सो मच, खुश रहिए। विकास सिंह, नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं आप सबसे बाद में बात करूँगी, आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो 2 मिनट आप सबके बीच रख दूँ, उसके बाद मैं बातचीत शुरू करूँगी। प्रिंस सिंह, जय हो भाई। तो बात दरअसल ये है कि इन सब के पीछे जो कारण है, जो ये आए दिन जो विवाद चलते रहता है कि भोजपुरी में अश्लीलता है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी विवाद का जो कारण है, गाने के ऊपर जो विवाद होते हैं, उन सब का मुख्य कारण है ये CMS। CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके कंटेंट को मैनेज करता है। YouTube पे आप जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं, जो भी गाने अपलोड करते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो अपने आप ही भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है वो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो CMS प्रदान करते हैं। बहुत सारी चैनल्स उनके पास है एक CMS के माध्यम से, जैसे यहाँ पे बिलीव म्यूजिक का CMS है, निर्वाणा है, DRJ, अभी रिसेंटली ग्लोबल जंक्शन ने भी CMS देना शुरू किया है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो CMS प्रदान करती हैं। अब मुद्दा यह है कि CMS अगर आपने किसी का लिया, आपके CMS के अंडर में 10 चैनल हैं। अब वो 10 चैनल का ऐसा सिस्टम है कि वो जो चैनल जो मैनेज्ड बाई, जो लिख के आता है कि मैनेज्ड बाई फलाना एंटरटेनमेंट, मैनेज्ड बाई फलाना चिलाना, जो भी एंटरटेनमेंट लिख के आता है, तो CMS चूंकि किसी और का, लेकिन मैनेज्ड बाई जो लोग हैं वो मालिक बन जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं ही मतलब उसका ठेकेदार हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जिस आर्टिस्ट का चाहे प्रमोशन करूंगा, जिस आर्टिस्ट को चाहे गिरा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप CMS के अंडर में आपके 100 चैनल्स हैं, 100 चैनल्स में आप उन्हीं आर्टिस्ट का गाना ये लोग देते हैं, जिनसे इनका कुछ डील होता है कि भाई तुम्हारे ये गाने हैं, मैं इस कंपनी में दूंगा, तुमको ये पैसा थोड़ा बहुत जो भी उनको मिल जाता है, बाकी के पैसे ये लोग खा जाते हैं।
ये सच्चाई है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आए भी मुझे भी बोलते हैं कि दीदी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सामने आई थिंक कई लोग बोलते होंगे लेकिन इन लोगों को शायद समझ में नहीं आता या क्या प्रॉब्लम है। आपके गाने रिलीज होंगे तो ये लोग उन्हीं के गाने प्रमोट करते हैं जिनको ये करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा कोई गाना रिलीज हुआ, अगर पता नहीं मेरे से क्या प्रॉब्लम है या है नहीं, मेरा गाना रिलीज हुआ ऐसे ही रद्दी के भाव रिलीज कर देते हैं जानबूझ के। क्या कर लेंगी, इनके चिल्लाने से क्या होता है, बोलती तो है नहीं, चुप रहती है ना ये, तो क्या क्या कर लेंगी। हम मैं मालिक हूँ, हमारे पास चैनल है, हम जो चाहे वो करेंगे, हम मालिक है, हमारे पास 100 चैनल है। तब गाना मेरा रिलीज हुआ, ना ही मेरे गाने में, मेरे सिंगल गाने में ना ही मेरा फोटो रहता है ना ही मेरा नाम रहता है। अजीब विडंबना है ये भाई, है ना। अब क्योंकि मैं इनके अंडर में नहीं हूँ, है ना, मेरे गाने ये लोग नहीं बेच पाते हैं या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यही लोग जानते हैं ना। किसी कंपनी में मेरा गाना रिलीज होता है, वहां जाके ये लोग बोलते हैं अरे प्रियंका सिंह गाना क्यों लेते हैं, अरे उनका गाना क्यों ले रहे हैं, इस आर्टिस्ट का लीजिए ना गाना, उनका गाना क्यों लेते हैं। अब बात यह, मान लीजिए कंपनी ने गाना ले लिया, अब गाना रिलीज हुआ, उसको ना ही आप ब्रांडिंग करेंगे, ना ही आप पोस्टर में मेरा फोटो लगाएंगे, ना ही पोस्टर बनाएंगे, ना ही आप थंबनेल पे फोटो लगाएंगे, ना ही आप उसको मतलब उसकी ब्रांडिंग ही नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे क्या होगा, फिर बोलने क्यों रहेगा, फिर बोलने को रहेगा। मैंने कहा था ना कि इनका गाना मत लीजिए, देखिए व्यू तो आया ही नहीं। अब कंपनी सोचेगी हाँ यार बात तो ठीक ही बोल रहा था, अच्छा उस सिंगर का मैंने बोला था ना उसका देता हूँ आपको, क्यों भाई, तो उस सिंगर का गाना रिलीज किए, उसको एडवर्ड पे चलाए, 10 मिलियन व्यू ला दिए, बोले देखा ना मैंने बोला था ना कि इसका गाना लीजिए। तो खेल ये है कि आप लोग जिसको ये सीएमएस का जो खेल है, जो सीएमएस मैनेज्ड बाई फलाना ढिंचाना जो है, ये आर्टिस्टों को शायद, जिन आर्टिस्टों के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लोग नहीं बोलते हैं, जिनको बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आए दिन कोई भी कंपनी है, मेरा गाना जाता है जहां से ये मैनेज्ड बाई फलाना रहता है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ इस बार, नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं जिनको बोल रही हूँ उनको पता है कि मैं किनको बोल रही हूँ, और ये कंपनी को भी पता है। और बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। 2 साल से मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं आके यहाँ पे ये पंचायत करूँ गाने को लेके कि मेरा नाम नहीं आता है, थंबनेल पे मेरा फोटो नहीं आता है, मेरे गाने का पोस्टर नहीं आता है, इतना फुर्सत नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं थक गई हूँ क्योंकि अब जो राइटर गाना लिखे वो पोस्टर मांगे, मैडम पोस्टर नहीं आया, जो जिसने म्यूजिक बनाया वो पोस्टर मांगे, मैडम पोस्टर नहीं आया, नाम ही नहीं है हम लोग का, फोटो ही नहीं है, अभी मैं क्या जवाब दूँ। सबको पता है ये बात, सारी इंडस्ट्री को पता है, यहाँ पे एक मोनोपोली चला हुआ है, सीएमएस का खेल है, 4 लोग बैठ के यहाँ पर सीएमएस का एक दुकान खोल लिए हैं, जिसका मन करता है गाना प्रमोट करते हैं, जिसको जो इनके अंडर में काम करता है, जो जो इनकी बात मानेगा उसका गाना प्रमोट किया जाएगा, उसका ब्रांडिंग होगा, जो इनका बात नहीं मानेगा उसको गिराने के लिए भरपूर साजिश होगी, उसके गाने जहां से आएंगे उसको जाके मना किया जाएगा कि आप इनका गाना क्यों लेते हैं। अगर आपके गाने चल भी रहे हैं आपके खुद के दम से तो भी उस पर 100 रिपोर्ट मारा जाएगा कि कैसे चल गया गाना। मेरे चैनल पे आए दिन 1000-1000 रिपोर्ट रहता है, मेरे इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट, मेरे फेसबुक पे रिपोर्ट, मेरे यूट्यूब चैनल पे रिपोर्ट। पता नहीं मेरे से इतना ज्यादा इन लोगों को इतना ज्यादा क्यों, ये लोग इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है यही जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे की ब्रांडिंग करो लेकिन मुझे एटलीस्ट परेशान मत करो ना यार। बहुत मेहनत लगता है गाना बनाने में, गाना जो राइटर लिखते हैं उनको भी मेहनत लगता है गाना लिखने में, जो म्यूजिक बनाता है उनको भी मेहनत लगता है। जिस इंसान को ना गाने बजाने से लेना देना नहीं है वो लोग यहाँ पे मालिक बन के बैठे हैं। तो ये सब बंद करिए, ये सब गलत है। और आर्टिस्टों से भी मैं, जो भी जो कलाकार है शायद जिनको बहुत लोगों को नहीं पता है कि सीएमएस का क्या चक्कर है, आप डायरेक्ट जो बिलीव म्यूजिक है, निर्वाणा है, या जहां से भी आपको डायरेक्ट सीएमएस, आप वहां से भी ले सकते हैं। बीच में जो बिचौलिए लोग जो बैठे हुए हैं कि मेरे पास उनका चैनल है, जब मन तब उड़ा दूंगा कंटेंट, जब मन तब इसको रिपोर्ट मार दो, अरे क्या तमाशा लगा के रखे हो भाई। किसी का गाना नहीं प्रमोट करना मत करो ना यार, लेकिन एटलीस्ट जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत तो मत खराब करो। पूरी दुनिया जानती है, पूरी भोजपुरी जो भी सुनता है या देखता है सब लोग जानते हैं कि प्रियंका सिंह जो है वो कहां से बिलोंग करती है, कहां से आके और कहां पे आज बैठी है, सबको पता है, सबने मेरी मेहनत देखी हुई है। मैं ये सब बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत आज मैं दुखी हूँ, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पे गाली गलौज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा वैसा संस्कार नहीं है गाली देने का किसी को। लेकिन आप किसी आर्टिस्ट की मेहनत मत खराब करो ना,
फोन करने पे इनके लोग जवाब क्या देते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं इनके ऑफिस के लोग। ऐसा लगता है जैसे कि सारा जो प्रॉपर्टी किसी के मालिक हो गए हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे इंडस्ट्री में। ये सब बंद करो यार आप लोग, किसी की मेहनत मत खराब करो। मेरे से आपको कोई पर्सनल दुश्मनी, आप सामने से आके बात करो ना। आपको कोई प्रॉब्लम है आप सामने से आके बात करो, पीठ में छुरा मत भोको ना यार। सामने से आप बोलते हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं है ऐसा वैसा, जिस कंपनी से गाना रिलीज होता है वो कंपनी भी परेशान है, वो भी आपको बुरा भला कहती है। तो आप सामने वाले प्रोड्यूसर का भी तो पैसा वेस्ट करते हो ना यार, आर्टिस्ट की मेहनत खराब करते हो, मत करो ना ऐसा आप लोग यार। लेके नहीं जाओगे ना, ऊपर लेके जाओगे सब यही रहेगा ना। अरे अच्छा काम करो, ईमानदारी से काम करो। अगर आप किसी पद पे बैठे हो तो उसको ईमानदारी से काम करो, सबके लिए बराबर काम करो, सबके लिए बराबर रहो, सबको बराबर आंख से देखो। ऐसा नहीं कि जो लोग आपके चरणों में गिरे हैं उनको, उनके सर पे हाथ रखो, और जो लोग बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, मेहनत से आए हैं, उनको आप जानबूझ के परेशान करो कि वो भी आके ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे। पूरी इंडस्ट्री जानती है, मैं अपने से सारे सीनियर्स का रिस्पेक्ट करती हूँ, जिसको मुझे हाथ जोड़ना चाहिए, जिसके पैर पड़ना चाहिए वहां मैं बराबर अपना जो सम्मान है वो, जितने भी बड़े सीनियर हैं सब लोग मुझे जानते हैं, मैं सबका सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों का सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती जहाँ पे एक चाटुकारिता टाइप, वो सब मेरे से नहीं हो सकता। सब लोगों ने मेरी मेहनत देखी है, मेरा स्ट्रगल देखा है। तो मैं आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है किसी आर्टिस्ट की मेहनत को खराब करना। मैं मेरे चैनल से भी कोई गाना रिलीज करती हूँ, वहां भी भर भर के रिपोर्ट रहता है। ये सब मत करो ना आप। इस बार मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं पूरे नाम के साथ आऊंगी। और क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे नाम लेके बाकायदे बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं ये सब बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत आज दुखी हो गई आज ये बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, तो आप मुझे डरा लेंगे धमका लेंगे। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, अपने माँ बाप के अलावा और ऊपर ब्रह्मांड के अलावा मैं किसी से नहीं डरती हूँ। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तो आपको अगर ये लगता है कि अकेली लड़की है क्या कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मतभेद ठीक है, मतभेद होता है, लेकिन जिस दिन मनभेद हो जाएगा उस दिन बहुत दूर तक विवाद जाएगा ये, और फिर उस दिन कोई फिर बचा नहीं पाएगा, फिर वो सारी चीजें खुल के आ जाएंगी सामने। तो मैं जो भी लोग हैं यहाँ पे जो मैनेज्ड बाई जो लिखते हैं, कृपया करके आगे से ध्यान रखें। और जो भी गाने आते हैं, किसी भी सिंगर के गाने आते हैं, उसको बकायदे सबको बराबरी से सबका पोस्टर बनाएं, फोटो लगाएं, थंबनेल हो या पोस्टर हो या सबकी ब्रांडिंग अच्छे से करें, सबको बराबरी से करें। आपको एक कुर्सी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर आप ही उस पे रहेंगे, है ना। समय एक जैसा नहीं रहता है, तो इसलिए। और खासकर ईमानदार आदमी को परेशान मत करिए, क्योंकि जब ईमानदार आदमी अपने, क्योंकि उसको क्या है ना, जब खोने को कुछ नहीं रहता है ना, तो फिर वो क्या करेगा उसको भी नहीं पता होता है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है, मुझे फिर अभी जिस दिन मेरा ज्यादा वो हो जाएगा उस दिन मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक ये अल्टीमेटम है या चेतावनी समझिए, या जो भी समझना आप समझ लीजिए, आगे से ऐसा मत कीजिए, किसी की मेहनत मत बर्बाद कीजिए। और जितने भी जो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बाकी लोगों तक भी पहुंचे और बाकी भी लोग जो है वो समझ पाए कि सीएमएस का खेल क्या है। सीएमएस है, 10 चैनल आपके अंडर में है, 10 चैनल से आप जिसका भी गाना आपको मिलियंस करना है, आप एडवर्ड पे चलाए 50 मिलियन व्यू ला दिया, अरे इतना, अरे सबके साथ बराबर करो ना यार। अरे नहीं करना है तो एटलीस्ट परेशान तो मत करो ना, अगर नहीं करना मत करो। लेकिन किसी की भी मेहनत है, उसका नाम, सिंगर का नाम, राइटर का नाम, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, यूट्यूब डायरेक्टर का नाम, एटलीस्ट ये सब तो मेंशन करो, प्रॉपर चीजें तो करो यार, जो एक कंपनी को एक मेहनत से करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इसका जो भी समाधान है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप सब मुझे बताइए। और हमेशा जैसे आप मेरा साथ देते हैं वैसे मेरा साथ दीजिए। प्रियंका, वी आर ऑलवेज विद यू, थैंक यू सो मच। एंड सॉरी मैं आज आप सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं यही बात रखने आई थी। सो वापस से मैं मिलूंगी। आज मेरा एक गाना रिलीज हुआ है जेपी स्टार से, बोलबम का गाना है, उसको सुनिए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी बात सुनी, मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच जी। अपने काम पर ही मैं ध्यान देती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब आके बोलूं। लेकिन मेरा सारा गाना यूट्यूब से उड़ा दिया सिंगर सूरज सिंह। अच्छा, तो ये सब बातें जो आप यहाँ लिख रहे हैं वो आप
सामने आकर बोलिए, मैं तो सबसे यही कहूंगी, और सब लोग बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे परेशान कर रहे हैं वैसे परेशान कर रहे हैं, तो ये सब गलत है ना, मत कीजिए, किसी की मेहनत बर्बाद मत कीजिए, बस यही कहना चाहती हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सामने से बात कीजिए, पीठ में छुरा मत भोंकिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आप मुझे ज्वाइन किए, मेरी बात सुनी। आगे फिर से मैं लाइव आऊंगी, आप सबसे बातें करूंगी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।